दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप जियो यूपीआई में अपने मल्टीपल बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। जितने बैंक आपके पास हैं और जितने बैंक को आप लिंक करना चाहते हैं उतने बैंक को लिंक कर पाएंगे। इससे पहले मैंने आपको जियो यूपीआई का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और साथ में जियो यूपीआई आईडी को चेंज कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं टेक रोहित। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने माई जियो ऐप को ओपन कर रखा है और सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे ऊपर के मेन्यू में यूपीआई सेक्शन पे क्लिक करके यूपीआई पेज पे, और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ यूपीआई पेज पे। और आपको बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए यहाँ पे आपको सेंटर में जहाँ पे आपका यूपीआई आईडी यहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपका जो यूपीआई आईडी का प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा और इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे माई बैंक अकाउंट का एक सेक्शन दिखेगा और यहाँ पे आपको एक छोटा सा एड बैंक अकाउंट का एक बटन दिख रहा है, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। नाउ क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट लिस्ट आ जाएगा, जिस भी बैंक अकाउंट को आपको लिंक करना है सिंपल आप सर्च करके लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्सिस बैंक अकाउंट को लिंक करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट लिंक हो चुका है सिंगल क्लिक से। अब आपको सिंपल प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप शो हुआ है यूपीआई पिन ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर दिस बैंक अकाउंट, डू यू स्टिल वांट टू अपडेट यूपीआई पिन। दोस्तों ये पॉपअप उसी केस में आता है जब आपने अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई आईडी क्रिएट कर रखा है। अगर आप चाहते हैं कि यूपीआई आईडी को चेंज करना तो आप यस बटन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको सिंपल नो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आपको सिंपल डन पे क्लिक करना है। अब जो आपने बैंक अकाउंट को ऐड किया है, अब आप चाहते हैं कि उसी बैंक अकाउंट से फर्दर ट्रांजेक्शन करूं तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपल अगेन आपके यूपीआई आईडी पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आपका जियो यूपीआई आईडी का प्रोफाइल ओपन होगा और यहाँ पे माई बैंक अकाउंट के सेक्शन में यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो अकाउंट को लिंक कर रखा है, पेटीएम पेमेंट बैंक और एक्सिस बैंक लिंक कर रखा। अभी जो मेरा डिफॉल्ट बैंक है वो पेटीएम पेमेंट बैंक है, मैं चाहता हूँ कि एक्सिस बैंक अकाउंट डिफॉल्ट बैंक अकाउंट हो जाए तो आपको सिंपल एक्सिस बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा उस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेक इट प्राइमरी बैंक चेंज यूपीआई पिन रिसेट यूपीआई पिन और रिमूव बैंक अकाउंट। तो मुझे एक्सिस बैंक अकाउंट को डिफॉल्ट बैंक अकाउंट बनाना है तो आपको सिंपल मेक इट प्राइमरी बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है और इस तरीके से जो आपका बैंक अकाउंट है वो डिफॉल्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।